ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से, नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट ने, पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने 3 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है, ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 3 मार्च तक उन्हें ईडी की हिरासत में रहना होगा, 8 दिन की कस्टडी में भेजा गया है नवाब मलिक को। एनसीपी नेता नवाब मलिक जिनको गिरफ्तार किया गया, फिर नवाब मलिक को रिमांड पर भेज दिया गया है। 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में नवाब मलिक रहेंगे। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, तो 8 दिन की कस्टडी? बिल्कुल सही कहा किशोर आपने। देखिए 8 दिन की कस्टडी, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उनको अब ईडी की कस्टडी में 8 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि सरकारी पक्ष ने बड़ी दलील दी कोर्ट में कि नवाब मलिक के जो रिश्ते हैं वो अंडरवर्ल्डिंग के साथ जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप नवाब मलिक के ऊपर किशोर लग रहे हैं वो साफ तौर पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक प्लॉट है उसकी खरीद फरोख्त में नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्डिंग के सहारे उस प्लॉट को खरीदने का आरोप नवाब मलिक पर लग रहे हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को शक है कि इस पूरी डीलिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसलिए ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत नवाब मलिक को पिछले 8 घंटे आज सुबह पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद दोपहर 2:45 उन्हें गिरफ्तारी दिखाई और लगभग 3 से 4 घंटे तक कोर्ट में इसकी जिरह चलती रही। और बाद में पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और साथ ही साथ ईडी के अधिकारी और ईडी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो प्रॉपर्टी की लैंड डील हुई थी उनके कागजात, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसकी जांच के लिए नवाब मलिक की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टडी दी जाए। इस पूरे मामले में ईडी के वकील ने 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगती कोर्ट से मांग की थी। और पूरी जिरह दोनों पक्षों के सुनने के बाद ईडी पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा है। किशोर मैं रोक रहा हूं आपको, विवेक सुनते हैं वहां पर क्या बताया जा रहा है। प्रेजेंटेशन दरमियान अमित देसाई साहेबांनी कोर्टाला एक गोष्ट लक्षात आणून दिली की जे गुन्ह्यांचा तपासाचा दाखला देऊन ईडीने नवाब मलिक साहेबांना असंवैधानिकरित्या अरेस्ट करण्याचं काम केलंय ते गुन्हे तो कायदा अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर घडले होते, त्यामुळे अशा कुठल्याही पद्धतीचा यांच्यावरती गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, अशा त्याच्यामुळे असा कुठल्याही पद्धतीने त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही। तरी देखील ईडीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीने आणि विशेषतः केंद्र सरकारने कुठल्याही पद्धतीमध्ये नवाबभाईंची अखंड देशामध्ये जे राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचं काम होतं ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे अशा भावनेतून त्यांना अरेस्ट केलेलं आहे। हे अतिशय असंवैधानिक, इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे। त्याचे कारण अमित देसाई साहेबांनी दिले आहेत। त्याचे कारण अमित देसाई हे अतिशय प्री मॅच्युअर स्टेजला इन्व्हेस्टिगेशन आहे आणि निश्चित रूपाने ज्या पद्धतीने ईडीने हे पोट्रे करण्याचं किंवा हे एक चित्र निर्माण करण्याचं काम दाखवलंय त्याच्यामध्ये कोर्टाला थोडासा वेळ ईडीला द्यावा असं वाटलंय, त्यामुळे 7 दिवसाची म्हणजे 3 तारखेपर्यंत एनसीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि जैसा हम सुन रहे थे अभी कि ये एक द्वेष के तरीके से एक राजनीतिक चित्र निर्माण करने के उद्देश्य से एक माहौल बनाने के उद्देश्य से नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये दलील दी जा रही थी अभी हम जो सुन रहे थे एनसीपी की तरफ से। और पूरे नवाब मलिक की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है और वही दलील यहाँ पर दी जा रही। लेकिन खबर ये कि आखिर फिर पीएमएलए कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है नवाब मलिक को। फिर सुनते हैं वहाँ पर क्या बताया जा रहा है। फक्त क्रिमिनल रंग देऊन नवाब भाईंना कुठेतरी फसवण्याचं काम होतं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक साहब का आज रिमांड था। रिमांड के दरमियान सीनियर काउंसिल अमित देसाई साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंटेशन के दरमियान ईडी ने नवाब भाई पे कुछ आरोप लगाने का काम किया। आरोप ऐसे थे कि कुछ जगह पे एक नवाब मलिक साहब ने जगह खरीदी की है, नवाब मलिक साहब की कंपनी ने एक जगह खरीदी की है और उस जगह का पहला ओनर हसीना पारकर जी थी। उन्होंने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिए थी और पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद में वो नवाब मलिक साहब की कंपनी को बेची गई थी, ऐसा आरोप लगाया। नवाब मलिक साहब का सीधे तरीके से किसी भी रूप में हसीना पारकर
या दाऊद कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और ना ही उनके साथ कोई व्यवहार हुआ है, इस बात का खंडन करते हुए देसाई साहब ने कोर्ट को अपनी बाजू बताई। कितने तारीख तक की रिमांड मिली है? आने वाले 3 मार्च 2022 तक रिमांड दिया गया है, कस्टडी दिया है ईडी का और उसके बाद में हम अपनी बात रखेंगे। पूरा नाम संगा एडवोकेट नीलेश भोसले, नीलेश भोसले, नीलेश भोसले। नवाब मलिक, एनसीपी नेता नवाब मलिक के वकीलों की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से ईडी ने अपनी बात रखी और फिर कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया नवाब मलिक को। उनकी तरफ से वकीलों ने बताया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने या उनकी कंपनी ने ली थी, उसकी पहली मालिक हसीना पारकर थी जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, और इसी से जोड़कर ईडी ने ये केस बनाया है। उससे पहले मराठी में जब वो बता रहे थे तब उन्होंने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये पूरा जो है एक माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक द्वेष से ये माहौल बनाने के लिए, पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने के उद्देश्य से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। ये दलीलें रखी गई नवाब मलिक के वकीलों की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस क्या बोल रहे हैं इस पर सुनते हैं। सौदा करत होती तिथल्या लोकांनी त्या संदर्भातलं बयान दिलेलं आहे। हा जो व्यवहार झाला आणि 55 लाख रुपये हसीना पारकरला देण्यात आले त्याचे देखील पुरावे हे ईडीला मिळाले आहेत असं ईडीने सांगितलेलं आहे। आणि एकूण या सगळ्या व्यवहारामध्ये कशा प्रकारे ही सगळी जमीन अंडरवर्ल्डच्या मदतीनं नवाब मलिकांना मिळाली आणि त्याच वेळी हे सगळे पैसे अंडरवर्ल्डला कसे गेले, यातला मनी लॉन्ड्रिंगचा अँगल जो आहे हा सगळा कॅशमध्ये व्यवहार करून ही हजारो कोटी रुपयाची जमीन ही त्या ठिकाणी घेण्यात आली आणि ते पैसे हसीना पारकरला म्हणजेच दाऊदला थेट त्या ठिकाणी मिळाले। आता यातला प्रश्न एवढाच उपस्थित होतो की देवेंद्र फडणवीस दोहराते हुए कि नवाब मलिक ने किस तरीके से ये डील की, उसमें पैसा कैसे सीधा दाऊद इब्राहिम के परिवार को जा रहा है, ये आरोप था ईडी का। इस आरोप पर ईडी को कस्टडी मिली है और पूछताछ के लिए 3 मार्च तक ईडी को रिमांड दी है पीएमएलए कोर्ट ने। ये इस बात को फिर दोहराते हुए देवेंद्र फडणवीस कि क्या आरोप थे, और नवाब मलिक के वकीलों ने जो बताया वो हमने पहले सुना। उन्होंने बताया कि ये राजनीतिक द्वेष से ये पूरा मामला खड़ा किया गया है। दोपहर में ही दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप में ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उनसे मुंबई के ईडी दफ्तर में करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के बाद जब नवाब मलिक ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो पहले हाथ उठाकर मुट्ठी बांधी और फिर उसे हवा में लहरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ देखते हुए भी हाथ हिलाया। इस दौरान नवाब मलिक लगातार मुस्कुराते रहे और जब ईडी के एक अधिकारी ने उन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो अपने समर्थकों की तरफ बढ़ गए। नवाब मलिक को देखते ही ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में ईडी के अधिकारियों ने उन्हें एक गाड़ी में बैठाया और मेडिकल जांच के लिए ले गए। नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मेडिकल जांच हुई, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ता नवाब मलिक के समर्थन में ईडी के ऑफिस के बाहर ही डटे रहे, जबकि उनकी गिरफ्तारी की खबर पाकर कई दूसरे इलाकों से भी उनके समर्थक वहां आ गए। और देखते ही देखते ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। इनमें कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। पुलिस को ऐसे बवाल की आशंका पहले से थी, तभी उन्होंने ईडी दफ्तर से करीब 200 मीटर की दूरी तक बैरिकेड लगाकर रास्ते रोक दिए, लेकिन एनसीपी का ऑफिस उसी इलाके में होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहले ही पहुंच गए। जबकि नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर लगते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। कई घंटों तक ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा, जिन्हें बाद में बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया गया। लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। बीजेपी और एनसीपी की जबानी जंग के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिसकी एक तस्वीर आई मुंबई के बोरीवली से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर उनकी गिरफ्तारी पर खुशी जताई।
यही नहीं, बीजेपी ने नवाब मलिक पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। दाऊद के सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ते हैं ये अभी पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नवाब मलिक को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगा दिया। जैसे कई एजेंसी ऐसी इस पूरे मामले पर शरद पवार के घर पर एक बैठक भी हुई जिसमें ईडी की कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति पर मंथन किया गया। सौबात की बात है कि नवाब मलिक को भले ही 3 मार्च तक रिमांड में भेज दिया गया हो लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर मचा सियासी घमासान और बढ़ सकता है। विपक्ष के कई नेता इस मामले में एनसीपी के साथ खड़े दिखाई दिए। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया और उनसे करीब 10 मिनट तक इस मामले में बात की। उन्होंने शरद पवार से साफ कहा कि नवाब मलिक से इस्तीफा लेने की कोई जरूरत नहीं है।